नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 313वें दिन की क्लास को देख रहे हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप आसानी से बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं। जिनको पढ़ने नहीं आता उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर गाँव से हैं या शहर से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदी मीडियम से हिंदी बोलते हैं और हिंदी से इंग्लिश लिखने में या हिंदी से अंग्रेजी बोलने में यानी इंग्लिश बोलने में आपको कहीं ना कहीं जो शब्द हिंदी के आते हैं आप उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते, वर्ड मीनिंग नहीं पता रहता। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपको हिंदी का इंग्लिश नहीं पता, जो कि आपका लोकल लैंग्वेज हो सकता है चाहे कहीं भी हो। तो दोस्तों, सब इसी पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। पिछले वीडियो पर जाना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिए यूट्यूब पर सर्च में, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और डे वन से स्कूल जो क्लासेस देखिए, सब कुछ सीखें दोस्तों। राइटिंग और स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है हिंदी के शब्द। तो शब्द ऐसे ऐसे जो कि रोज आप प्रतिदिन बोलते हैं। और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ज से लेके ज, इसके बाद झ, ट, ठ और ड से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं वो सारे के सारे संक्षिप्त वर्ड जो कि रोज प्रतिदिन बोले जाते हैं उनको मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ, ताकि आप अधिक से अधिक उसको ट्रांसलेट कर पाएँ, उसको बोल पाएँ। तो नहीं जानते हैं जिनको इनकी हिंदी कमज़ोर है, इंग्लिश मजबूत है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजी से जो क्या किसी इंग्लिश का क्या हिंदी होगा वो भी आप सीख जाएंगे। तो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के अंतर्गत जो ये ज के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ज जा जी जी जो जितने भी है, लास्ट दो स्लाइड बचा हुआ था इसमें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि जांचना कैसे पढ़ेंगे, भारी भारी वर्ड्स को तोड़ना, देखिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लिखना चाहते हैं तो। क्या होगा, कैसे याद हो जाए बहुत ही एक ही बार में, तो वो ऐसे कि जैसे मैं तोड़ कर बताऊंगा तो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा कि आप सीख जाएंगे, बहुत आसानी से बोलना भी सीख जाएंगे, वर्ड को कैसे बोला जाता है शुद्ध शुद्ध, कैसे इसे जो है याद किया जाए। तो देखिए, टू एग्जामिन एक वर्ब है, टू एग्जामिन और प्रिंसिपल भर गए, तो एग्जाम एग्जाम तो एग्जामिन, हालांकि लोग अगर ये अकेले आता तो माइन हो जाता, लेकिन यहाँ पर आई का उच्चारण जो है ई के रूप में किया गया है, तो एग्जामिन। जाड़ा का होता है विंटर, तो विन और ये टर, एक्चुअली ई आर को अगर कहा जाए तो र पढ़ते हैं, जब टी लग गया पहले तो टर हो गया विंटर। जात कास्ट, कास्ट है, कास्ट में जात होता है, लेकिन ये भी सी ए एस टी कास्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है वोट करना, ठीक है। तो ये अलग बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे स्पेलिंग आप करते हैं अलग अलग लिखते हैं तो समझ में आता है। देखिए यहाँ पर सी ए एस टी के बाद जैसे ही लगा तो कास्ट हो गया, ये भी कास्ट ही है लेकिन अंतर है दोनों में। देखिए जादू मैजिक, मैजिक, अब यहाँ पर ए का उच्चारण जो है ए के रूप में किया गया है, मैजिक, ठीक है। ए मतलब ऐसे, ये वाला है इसका ये मात्रा चिन्ह है, चिन्ह है, ठीक है। अब जादूगर मैजिशियन, मैजिशियन, तो ई आई ए आई ए एन को ई एन बोलेंगे, ठीक है, ई एन, तो सी में लगे तो सी एन हो गया, तो मैजिशियन। जान लाइफ, जानना, टू नो मीन्स जानना, ये भी वर्ब है। जानवर एनिमल, एनिमल, ए एल को अल बोलेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ बी ए एल देगा तो अल पढ़ेंगे। टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, जै ए के बाद जैसे ई आता है तो ए का उच्चारण जो है ए कार के रूप में होता है, ठीक है, ए कार के रूप में, तो टेस्ट। टू गो मतलब जाना, वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, टू गो। नेक्स्ट है जाल, दो वर्ड है, एक तो वर्ब है दूसरा जो है नाउन है। तो देखिए वर्ब ट्रैप मीन्स जो कि वर्ब है, जाल होता है नेट जिससे मछली पकड़ते हैं, वो भी एक हिंदी में जाली बोला जाता है। उसके बाद देखिए जासूस, स्पाई, स्पाई, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, कैसे पढ़ेंगे, ऑब्स्टिनेट, तीन बार में तोड़ के पढ़ सकते हैं, ऑब्स्टिनेट। जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस्म, बॉडी, जीत, विक्ट्री, विक्ट्री, जीवित। लिविंग, लिविंग, आई एन जी को इंग पढ़ेंगे तो लिविंग, ठीक है। जीव, क्रिएचर, 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 टी सी टी यू आर, टी यू आर, टी यू आर ई को चर पढ़ेंगे तो क्रिएचर। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजी, अब देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, तो दो, एक तो दोनों विज्ञान ही है, तो बायोलॉजी, जूलॉजी,
देखिए बायोलॉजी का एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा ज्ञान की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए बायोलॉजी जो है इसके दो रूप होते हैं या दो प्रकार होते हैं, एक तो बॉटनी और दूसरा की जूलॉजी। तो यहाँ पर जंतु विज्ञान जो ज से आ रहा है इसे जंतु विज्ञान, बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान, तो दोनों जो है जीव विज्ञान का ही दो शाखाएं हैं। अब देखिए जीवनी, जीवनी बायोग्राफी, बायोग्राफी 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 भी लोग बोलते हैं, तो बायोग्राफी जीवनी। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड दोस्तों, देखिए वापस आ गया। तो खैर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जुआ, अब तो जुआ लोग खेलते हैं, तो जुआ गैम्बलिंग, गैम इसी से गैम्बलर बना है, जुआरी भी, जुआरी वर्ड भी हो जाएगा जुआरी, तो गैम्बलर हो जाएगा, गैम्बलर का स्पेलिंग हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा दोस्तों गैम्बलर, गैम्बलर का मतलब जुआरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है जुड़वा, जुड़वा ट्विन, ट्विन से जुड़वा, और ये है जुर्म, जुर्म का मतलब क्राइम, तो यहाँ आई का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया है, तो सी आर के साथ आई लगा तो क्राइम हो गया, क्राइम एम ई से म हो जाएगा, जुर्माना फाइन, यहाँ भी आई जो है आई के रूप में उच्चारित किया गया तो एफ में लगा, एफ में तो फाइन हो गया, जुलाह वीवर, वीवर देखिए ई आर जो है र पढ़ेंगे तो व में लग गया तो वर हो गया वीवर, जू इसे पढ़ेंगे लाउस, देखिए लाउस पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे एल ओ यू एस को लाउस पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में किया गया है, तो एल के साथ यानी कि ल के साथ मिला, ल के साथ मिला आ तो प्लस हो गया ला, ठीक है ला हो गया, और उस यूज को अस पढ़ा गया यूज, लाउस लाउस, सी को स पढ़ा गया तो लाउस लाउस लाउस, लाउस मीन्स क्या होता है जू, जो कि बालों में रहते हैं खासकर महिलाओं के बालों में, लड़कियों के बालों में, लड़के के बाल में भी रहते हैं, खैर बाल में ये पाया जाता है एक अजीब तरह का है। देखिए जोंक, लीच, लीच इस वर्ड बहुत ही कॉमन है लेकिन फिर भी लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, जानते हैं जू है भाई, ढील भी लोग बोलता है कई जगह, तो क्या होता है कि इंग्लिश जाना जरूरी, तो लाउस लीच जेब पॉकेट पॉ पॉकेट जोखिम डेंजर डेंजर जोखिम जोड़ा पेयर जोड़ फोर्स फोर्स सी को बोलेंगे स फोर्स ज्यामिति जियोमेट्री 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 ज्या एज इट इज ज्या मीन्स एज इट इज ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ज्येष्ठ एल्डर एल्डर ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ज्वर यानी कि बुखार फीवर फीवर ज्वालामुखी वोल्केनो 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 जोश एक्साइट एक्साइट एक्साइटमेंट एम ई एन टी मेंट बोलते हैं बार बार आता है एक्चुअली ई एन टी आता है ई बार बार आएगा एल से रहेगा एल रहेगा एम का जगह तो लेंट हो जाएगा पी रहेगा पेंट हो गया ऐसे रहेगा रेसेंट रहेगा टी टेंट रह जाएगा तो ये यहाँ तो मेंट भी वर्ड आता है जो जो मीन्स हु सॉरी जो मीन्स क्या होता है कि विच विच का हिंदी जो ये अफर्मेटिव में और जो मीन्स इसका भी हु है यानी हु का भी हिंदी जो आता है ये अफर्मेटिव में दोनों यूज़ किए जाते हैं जो जो शब्द ठीक है जो लड़का जो आदमी ऐसे बोलते हैं ना तो हु द बॉय हु द मैन इस तरह से तो खैर चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के अंदर झ का जो है हम लोग सीखने में झ से जितने भी सब महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बहुत ही संक्षिप्त में तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं जो कि आप रोज बोलते हैं दोस्तों ये देखिए झनकार तो जिन झनकार है पहले एक बार पूरा आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा देखिए दोस्तों कहीं से अब इंग्लिश के लिए ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेट से नहीं होगा इनको भी सीखना याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा तो झनकार तो ये जिंग 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 यहाँ से पढ़ेंगे तोड़ेंगे जिंग लिंग दोनों में आई देखिए आई 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 एन जी है यहाँ भी आई एन जी है एक्चुअली पढ़ते हैं आई एन जी को इंग तो जे में ज में जे में लग गए तो जिंग एल में लग गए तो लिंग जिंग लिंग झंडा फ्लैग एक उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है फ्लैग
झक्खी फैडिस, फैडी बोलते हैं, फैडिस फैडिस, और फैडी भी बोलेंगे, ठीक है, फैडी फैडी। झगड़ना, देखिए रोज झगड़ते हैं लोग, क्वारल क्वारल। झपकी, नैप नैपिंग, जैसे झपकी लेना, तो ये नैप है, नैप भी बोलते हैं वर्ब में, तो नैप में झपकी, जब जब आंख लगता है तो झपकी लेते हैं, वो झपकी। झपट यानी छीनना, स्नैच स्नैच स्नैच, टी सी एच को च पढ़ेंगे, टी सी एच को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, च पढ़ेंगे, तो स्नैच। चलिए नेक्स्ट है झांसा, बेवकूफ बनाते हैं ना, झांसा रहते हैं, फ्रॉड करते हैं, जिसे फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉड। झाड़ू, अब देखिए झाड़ू तो रोज लोग बोलते ही बोलते हैं, झाड़ू क्या होगा दोस्तों, शुद्ध सबसे ज्यादा सटीक होगा शॉर्ट में, ब्रूम पर याद रखें, ब्रूम। ब्रूम भी बोलते हैं, स्वैब भी बोलते हैं, स्वैब, स्वैब क्या स्पेलिंग होता है, SWAB, जो भी आप याद कर सकते हैं, झाड़ू के लिए प्रतिदिन बोलते हैं, तो याद रखें। मॉप भी लोग बोलते हैं, मॉप, ठीक है, तो मॉप बोलते हैं, तो खैर ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वैब और ब्रूम, तो ब्रूम को याद रखिएगा, ब्रूम, वही ब्रूम स्टिक, क्योंकि स्टिक से रहता है उसमें। देखिए झापड़, रोज झापड़ लगाते हैं लोग एक कहीं ना कहीं किसी छोटे छोटे को, तो स्लैब। झालर, फ्रील, झिलमिला, झिलमिला, तो ये देखिए झिलमिल यानी स्पार्कल, झिलमिल मीन्स स्पार्कल। झिंगुर, झिंगुर एक तरह का जो है इंसेक्ट टाइप का है, जो कि हमेशा बोलते रहता है, इसे ग्रास, इंग्लिश में ग्रास हॉपर बोलेंगे, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास GRAWS, ग्रास हो पर, यानी ये हो जाएगा क्या, झिंगुर। झीना, झीना, थिन थिन मीन्स झीना। झिलमिलाना, टू स्पार्कल, टू स्पार स्पार स्पार्कल स्पार्कल। झुकना, टू बेंड, झुकना, टू बेंड, देखिए बेंड का मतलब झुकना होता है। झीना, फिर से वापस थीन आ गया। झील, झील का मतलब होता है लेक। झूठ, झूठ रोज लोग बोलते हैं, लाई, ठीक है, या इसी से बना है, लायर वर्ड बना है, झूठा, लायर, ऐसे लायर यानी झूठा, ये लाई है, झूठ, लायर। अब देखिए एक झूठा का मतलब ये वर्ड भी, अनट्रू अनट्रू, लायर भी बोलेंगे। झूला, स्विंग, बच्चे हमेशा इस वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्विंग स्विंग करेंगे। चलिए झोपड़ा, तो झोपड़ा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हट, हट मीन्स झोपड़ा या झोपड़ी भी बोल सकते हैं। अब देखिए हिंदी अंग्रेजी के शब्द, कुछ ट के बारे में देखते हैं कि ट से कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ड बनते हैं, इससे भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये देखिए झोपड़ी एक वर्ड आता है, झोपड़ा झोपड़ी, झोपड़ा हट, कॉटेज, ठीक है, कॉटेज, झोला, बैग। अब देखिए ट से, तो टंकक हिंदी के शब्द है, जिसे टाइपिस्ट बोलते हैं, टाई पिस्ट, टाइपिस्ट, टंकन, टाई पिंग, पिंग PNG, पिंग, ING जुड़ गया पी में तो पिंग हो गया। टक्कर, कोलिजन कोलिजन, अब SION को जन भी पढ़ते हैं और जो है सन भी पढ़ते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। कोलिजन। टहनी, ट्विग ट्विग, टहलना, ठीक है, टहलना, टू वॉक, ये वर्ब है। टाका, स्टिच, डॉक्टर्स लोग हमेशा देते हैं जब किसी का जो है सिलते हैं या कभी सर पड़ जाता है या कुछ, तो स्टिच करते हैं स्किन को। देखिए टापू, आइलैंड आइसलैंड, टापू, तो इसे बोलेंगे बहुत ध्यान, देखिए आइलैंड यानी कि टापू भी, द्वीप भी बोल सकते हैं, अंजीरा भी बोल सकते हैं, आइलैंड। नेक्स्ट है टालना, इसी बात को टालते हैं ना, टू डिले। टिकना, टिकना यानी ठहरना, टू स्टे। टिकिया, टैबलेट टैबलेट। टिप्पणी, कमेंट कमेंट, ये MENT वाला कमेंट कमेंट। टिमटिमाहट, ग्ली ग्लीमर 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 यानी टिमटिमाहट। टीला टीला टीला, समझते हैं ना, ऊंचा चीज कुछ होता है, सो टीला लोग बोलते हैं, जहाँ कहीं जमीन उभरा हुआ रहता है तो टीला बोलता है, यानी माउंड। टुकड़ा, पीस पीस पीस, पीस मीन्स टुकड़ा। टूटा यानी ब्रोकन ब्रोकन। टोकरा, बास्केट बास्केट, केटिकेट बास्केट। टोपी, कैप। टोटका, स्पेल, देखिए स्पेल मीन्स
तुटका होता है दोस्तों, याद रखेंगे, यानी कि जादू भी बोलते हैं इसे, आप जादू भी, जादू वर्ड भी दे सकते हैं। तो खैर टी से चल रहा है, ट से तो टुटका यानी स्पेल, स्पेल ठीक है। टोली ग्रुप, टमाटर टोमेटो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखिए हिंदी अंग्रेजी शब्द के तहत ये है ठ, ठ से तो इतने महत्वपूर्ण शब्द बन जाएंगे, लगता है कि रोज ही अब कई बार बोल लेते होंगे। देखिए ये कौन कौन से है, जैसे ठंड, ठंड के समय तो ठंड बोलते हैं, कोल्डनेस, कोल्डनेस ठंडा, ठंडा तो बोलते हैं, ठंडा लाओ ठीक है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसके जगह कोल्ड ड्रिंक्स लोग बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा लाओ का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स लाओ। ठक ठकाना, ठक ठकाना, टू नॉक, नॉक। ठग, चीटर, ची टी आर टर हो गया, तो टर चीटर। ठगना, टू चीट, ठठेरा, ये वर्ब है याद रहेगा, ये भी वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, ठठेरा। टिंकर ठीक है, टिंकर ऐसे, तो देखिए एक्चुअली ठठेरा को जो अगर अगर एडजेक्ट वर्ड नहीं समझ में आता है बहुत लोगों को, तो इसे आप याद करने के लिए मॉक अप भी याद कर सकते हैं, मॉक ठीक है, अप, मॉक अप मीन्स ठठेरा, या इसे कॉपर स्मिथ भी बोल सकते हैं, या ब्रेसियर भी बोल सकते हैं। अब टिंकर जो है टीन मरने वाला, टीन मरने वाला एक्चुअली काम हुई है, ठठेरा टिंकर भी बोल सकते हैं, या कसेरा ही बोल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठहराव, पाउज, रोकने के लिए, हमेशा टीवी में, मोबाइल में, मोबाइल आपके मोबाइल में वीडियोज चल रहे हैं उसको पॉज कर सकते हैं, ये जानते हैं। ठाट यानी भव्यता, स्प्लेंडर, 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 शान के बारे में, शानदार के बारे में बात होता है, तो स्प्लेंडर, स्प्लेंडर तो यानी कि भव्यता। ठाट, ठान, ठानना, टू हैव डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, टी आई एन को सन पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन, तो हो गया ठानना। ठिकाना, प्लेस, ठिठोलिया, ठिठोलिया, ह्यूमरस, ह्यूमरस, आर ओ यू एस, सॉरी ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, आर में लग गया तो रस हो गया, तो ये ह्यूमरस, 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 बहुत ही ध्यान दीजिएगा, तो ह्यूमरस ठीक है। ठीक, राइट, आई जी एस टी जो है आइट पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, आई जी एस टी को आई इट, अगर आर है तो राइट लग गया, अगर इसकी जगह एफ रहता तो फाइट रहता, अगर इसकी जगह टी रहता तो टाइट हो जाता है, इसकी जगह एल रहता तो लाइट हो जाता है, इसकी जगह एम रहता तो माइट हो जाता। तो देखिए आइट, आई जी एस टी, ऐसे कितने वर्ड बनते हैं, तो ठीक है यहाँ पर आर था तो राइट हो गया। ठुनक, सोब ठीक है, ठुनक मीन सो होता है, तो सोब, देखिए ठूसना, लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा ठूस लिया है, ठूसना। टू बी स्टब्ड, टू बी स्टब्ड, ठेंगा, 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 थम्ब, ठेला, ट्रॉली, ट्रॉली, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखिए ठेकेदार है, ठेकेदार वर्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर। ठेपी, कॉर्क स्टॉपर, जब ठेपी का मतलब जो किसी बोतल वगैरह को ढक्कन, जो ढक्कन होता है उसको ठेपी बोलते हैं, ठेपी। ठोकर, स्ट्रोक, स्ट्रोक, ठोस, सॉलिड, सॉलिड। ठौर, ठौर ठिकाना जो बोला जाता है, तो रेसिडेंट, रेसिडेंस, ई एन सी को एन से बोलते हैं, तो ये हो गया रेसिडेंस, याद रखिएगा रेसिडेंस दोस्तों। इसके बाद देखिए हिंदी अंग्रेजी के शब्द के तरह ड के बारे में देखिए कितने महत्वपूर्ण शब्द मिल जाएंगे आपको। देखिए इस तरह के वर्ड बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा, तो एक ही स्लाइड देखेंगे इसमें, जैसे डंक है, डंक मीन स्टिंग, डंक मारना, टू स्टिंग, ये वर्ब है, ये एक नाउन है स्टिंग। डंडा, स्टीक, डकार लेना या डकार मारना, तो डकार लेना बेल्च हो जाएगा, डकार मारना तो टू लगा देंगे, टू बेल्च ठीक है, टू बेल्च, टू बेल्च का मतलब होता है डकार मारना, और बेल्च का मीन्स डकार लेना है, एक ही बात है। डकैत, रॉबर, डकैती, रॉबरी, वाई लग गया इसमें, बस यही याद रखना है, रॉबरी। डगर, पथ, ये होगा डगर यानी रास्ता। डब्बा, बॉक्स। डर, फियर, ई ई ए को ई पढ़ते हैं, फियर। डरपोक, कॉवर्ड, कॉ वर्ड, कॉवर्ड। डसना, टू बाइट, डस दिया यानी काटना। डाक, पोस्ट, डाक खाना, पोस्ट ऑफिस, ऑफिस,
डाका रॉबरी, तो याद रखेंगे डकैत रॉबर, डकैती रॉबरी, और डाका मीन्स भी रॉबरी, रॉबरी। नेक्स्ट है डाकिया, पोस्टमैन, डायन, विच, ठीक है, विच, डा, डा मीन्स अनवी, डुबकी, डिप, डिप, ये जो नदी में नहाते हैं तो डिप लेते हैं, डुबकी, डेरा, कैंप, कैंप लगाते हैं ना, डेरा, डैना, विंग, विंग मीन्स डैना, डोर, रोप, और डेली एक नया वर्ड है मैंने यहाँ पर डाला है। ये अक्सर जो है राजमिस्त्री लोग अपने छोटे छोटे जो ईंट के जो टुकड़े होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डेली पौना इस तरह से, तो कर वो वर्ड है डेली। स्मॉल ब्रिक यानी कि ईंट का छोटा सा हिस्सा, आधा सा भी कम। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और कुछ वीडियो के लिंक यहाँ देखिए उसको फॉलो कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आने की जानकारी चाहते हैं कब कब वीडियो आता है, कब कब देखना है, तो आप सिर्फ नोटिफिकेशन इस घंटी को दबा दीजिएगा जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।